मिलर हाई स्कूल में महाराणा प्रताप स्मृति समारोह भव्य तरीके से मनाया जाएगा। इसे लेकर क्षत्रिय समाज तैयारी में जुट चुका है। आपको बता दें कि जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर क्षत्रिय समाज के लोगों को एकजुट कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में संजय सिंह के आगमन पर जुलूस निकाला गया। इस दौरान जदयू के एमएलसी ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर हमला बोलते हुए कहा कि पद यात्रा करने से कोई नेता नहीं हो जाता। प्रशांत किशोर जी ये तो इवेंट मैनेजर थे ना, प्रशांत किशोर जी वोट दिलवाए थे क्या नीतीश कुमार जी को? ये मुगालते में है और जो बिहार घूम रहे हैं इनको पता चल जाएगा। पैसा कमा लेने से कोई नेता नहीं हो सकता, पद यात्रा करने से। अपने हैसियत को देखे धन्य मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार जी जिसको करते हैं वही भस्मासुर हो जाता है। अपने घर में रखे बेटा से ज्यादा माने उसको। एक ये रणनीतिकार थे, तो रणनीतिकार अगर ऐसा पार्टियां बना लेंगे या अडानी और अंबानी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो ये मुगालते में कोई नहीं रहे, घूमते रहे बिहार का कोना कोना छान ले, कुछ मिलने वाला नहीं है। भाजपा का राहुल गांधी से पढ़ता है, प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि आश्चर्य वाला बात है। कहाँ राहुल गांधी, कहाँ राजा भोज, कहाँ कंगुआ तेली, ये सब कहाँ इसे फेरा बताते हैं। बिहार के आरजेडी विधायक सह पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने मोहनिया में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के पखवाड़ा जयंती समारोह के मौके पर किसान सम्मेलन में सरकार पर निशाना साधा और इस दौरान आरजेडी विधायक ने कहा कि नीतीश कुमार हमेशा कटोरा लेकर दिल्ली चले जाते हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगते नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती। आप खुद आ रहे हैं, एक कटोरा हमेशा लेकर दिल्ली जाते हैं विशेष राज्य का दर्जा लेने के लिए। आपको शर्म नहीं आती मुख्यमंत्री? आपको विशेष राज्य का दर्जा भी चाहिए, असंगठित छोकरों के झाक भी चाहिए ना? ऐसा भी कौन का दुनिया में आपने नहीं देखा होगा जो हमारे भारत में होता होगा? ये सब ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, किस चलता है, लेकिन शर्म वो बहुत। 23 जनवरी को पटना के मिलर हाई स्कूल में महाराणा प्रताप स्मृति समारोह भव्य तरीके से मनाया जाएगा। इसे लेकर क्षत्रिय समाज तैयारी में जुट चुका है। आपको बता दें कि जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर क्षत्रिय समाज के लोगों को एकजुट कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में संजय सिंह के आगमन पर जुलूस निकाला गया। इस दौरान जदयू के एमएलसी ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर हमला बोलते हुए कहा कि पद यात्रा करने से कोई नेता नहीं हो जाता। प्रशांत किशोर जी ये तो इवेंट मैनेजर थे ना, प्रशांत किशोर जी वोट दिलवाए थे क्या नीतीश कुमार जी को? ये मुगालते में है और जो बिहार घूम रहे हैं इनको पता चल जाएगा। पैसा कमा लेने से कोई नेता नहीं हो सकता, पद यात्रा करने से। अपने हैसियत को देखे धन्य मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार जी जिसको करते हैं वही भस्मासुर हो जाता है। अपने घर में रखे बेटा से ज्यादा माने उसको। एक ये रणनीतिकार थे, तो रणनीतिकार अगर ऐसा पार्टियां बना लेंगे या अडानी और अंबानी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो ये मुगालते में कोई नहीं रहे, घूमते रहे बिहार का कोना कोना छान ले, कुछ मिलने वाला नहीं है। भाजपा का राहुल गांधी से पढ़ता है, प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि आश्चर्य वाला बात है। कहाँ राहुल गांधी, कहाँ राजा भोज, कहाँ कंगुआ तेली, ये सब कहाँ इसे फेरा बताते हैं। बिहार के आरजेडी विधायक सह पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने मोहनिया में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के पखवाड़ा जयंती समारोह के मौके पर किसान सम्मेलन में सरकार पर निशाना साधा और इस दौरान आरजेडी विधायक ने कहा कि नीतीश कुमार हमेशा कटोरा लेकर दिल्ली चले जाते हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगते नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती। आप खुद आ रहे हैं, एक कटोरा हमेशा लेकर दिल्ली जाते हैं विशेष राज्य का दर्जा लेने के लिए। आपको शर्म नहीं आती मुख्यमंत्री? आपको विशेष राज्य का दर्जा भी चाहिए, असंगठित छोकरों के झाक भी चाहिए ना? ऐसा भी कौन का दुनिया में आपने नहीं देखा होगा जो हमारे भारत में होता होगा? ये सब ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, किस चलता है, लेकिन शर्म वो बहुत अच्छी।